हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, लेसन नंबर 11, द वाइट एलिफेंट। इसके ऊपर अपन पढ़ना है। तो इसमें जो है अलग अलग पात्र हैं, स्टोरी टेलर 1, स्टोरी टेलर 2, इंडिविजुअल और ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप जो है, और इंडिविजुअल माने अलग अलग, ग्रुप माने इकट्ठे जो लोग। स्टोरी टेलर 3, लक्ष्मी है, शंकर की वाइफ और लक्ष्मी के फ्रेंड हैं, हस्बैंड ऑफ वोमेन, गोविंद का हस्बैंड है, और बहुत सारे पात्र जिनको अपन नाटक टाइप का होता है उसमें। शंकर स्टोरी टेलर 2 के अंदर शंकर द राजन चीफ गार्डनर, शंकर जो है राजा का चीफ गार्डनर है, प्रमुख मालिक। ऐरावत वाइट एलिफेंट, जो वाइट एलिफेंट सफ़ेद हाथी है उसका नाम है ऐरावत। लक्ष्मी फ्रेंड्स हैं कुछ, और क्यूरियस वुमेन, क्यूरियस माने उत्सुक जो महिलाएं जो उसमें पार्ट कर रही हैं। तो सीन 1 पहला है, द राजा गार्डन विद शंकर एंड लक्ष्मी कॉटेज इन वन कॉर्नर। अब राजा का जो गार्डन दिखा रहे हैं, बगीचा है, और शंकर और लक्ष्मी, लक्ष्मी जो उसकी वाइफ है, वो दोनों एक कॉटेज में, छोटे से कमरे में वहाँ रहते हैं कॉर्नर पर। शंकर इज वर्किंग इन द राजा गार्डन, शंकर जो है राजा के गार्डन में काम कर रहा है। लक्ष्मी इज इनसाइड, और लक्ष्मी जो है अंदर है। स्टोरी टेलर 1, अब पहला, शंकर इज द राजा चीफ गार्डनर, शंकर कौन है, राजा का चीफ गार्डनर, प्रमुख मालिक। He lives in the cottage in the corner of the garden with his wife Lakshmi. वो इस कॉटेज में, छोटे से कॉटेज में गार्डन के, वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ रहता है। स्टोरी टेलर 2, ही वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क, मतलब सुबह, डॉन मतलब जो सुबह का जो समय है, अर्ली मॉर्निंग, भोर जिसे बोलते हैं, वो डॉन टू डस्क, डस्क मतलब जो राइजिंग सेटिंग सन, सन जो सेट होता है जब वाला हिस्सा, तो डाउन से डस्क तक वो लगातार काम करता है। लुकिंग आफ्टर फ्लावर बेड्स, क्या काम करता है, फ्लावर जो फूल वगैरह के जो अलग अलग बनी है क्यारी है उनको देखता है, लॉन्स देखता है बड़े बड़े, और ट्रीज देखता है पेड़ों को। स्टोरी टेलर 3, ही वाटर द फ्लावर, वो फूलों में पानी डालता है। वीड्स द बीट, और बेड्स जो आजू बाजू जो क्यारी के पौधों के जो आजू बाजू जो खरपतवार झाड़ियाँ निकल आती हैं उनको हटाता है। डिक्स खोदता है। रेक स्वीप्स द लीव्स एंड ट्रिम्स द हेजेस, और ट्रिम करना मतलब आजू बाजू से छाटना है ना, जो भी ऐसे छोटे मोटे जो पत्तियाँ वगैरह इधर उधर अनवांटेड जो वीड्स वगैरह हो जाती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती वो उनको हटाते हैं। शंकर वॉकिंग टू द कॉटेज एंड स्पीकिंग टू लक्ष्मी, अब कॉटेज की तरफ जाता है और लक्ष्मी से बोलता है, What a day! I am so tired. बोले आज कैसा दिन है, मैं पूरे दिन से थक गया हूँ। He get into a bed. जाके वो बेड के ऊपर सो जाता है। Daylight change to moonlight. जो दिन जो है वो डूब के शाम का समय हो जाता है। Why can't I sleep? मैं क्यों नहीं सोऊं? He toss and turns. ऐरावत arrives in the garden and begins plucking and nibbling the grass. तभी ऐरावत वहाँ से आता है जो कि प्लक जो घास है उनको वो क्या कर रहा है, चुन रहा है, है ना, खा रहा है। शंकर ओ इट मिड नाइट एंड आई हैव नॉट हैड ए विंक ऑफ स्लीप, बोले अभी ये रात का समय हो गया, इट्स मिड नाइट मतलब मध्य रात्रि है, आई हैव नॉट हैड ए विंक ऑफ स्लीप, और मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई। सिटिंग अप एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, अब वो खड़ा हो जाता है, उठ के बैठ जाता है और विंडो से झांकता है। ए ह्यूज वाइट एलिफेंट, आई हैव नेवर सीन ए वाइट एलिफेंट बिफोर, बोलो एक बहुत बड़ा सफेद हाथी, मैंने ऐसा हाथी कभी देखा नहीं है। स्टोरी टेलर 1, शंकर रिमेंबर स्टोरीज हिज मदर, शंकर को याद आया कि उसकी माँ जो कहानियाँ सुनाती थी, एंड हैड टोल्ड हिम व्हेन ही वाज ए बॉय, और तब कहती थी जब वो एक लड़का था। स्टोरी टेलर 2, शी टोल्ड अबाउट द गॉड्स हु ड्वेल्ट इन हेवन, वो उनको भगवान की कहानी बताती थी जो कि हेवन में, स्वर्ग में रहते हैं। स्टोरी टेलर 3, इंद्र देयर किंग रोड ऐरावत ए ब्यूटीफुल वाइट एलिफेंट, और ऐरावत की सवारी करने वाला जो था उसका नाम था इंद्र, इंद्र एक भगवान है, किंग है ना, वो सवारी करते थे ऐरावत की। शंकर दिस मस्ट बी ऐरावत, बोले ये ऐरावत ही है, इफ आई होल्ड ऑन टू हिज टेल ही विल टेक मी बैक विथ हिम, और अगर मैं इसकी टेल को, पूछ को पकड़ूंगा तो ये मुझे अपने पीठ पे उठा लेगा, एंड आई विल सी द वंडर ऑफ हेवन, और मैं देखूंगा कि किस प्रकार से स्वर्ग में क्या क्या होता है। He tiptoes out and hides behind a tree near ऐरावत, अब वो धीरे धीरे दबे पांव आया और एक पेड़ के पीछे छुप गया, हाइट्स माने छुपना, और जो कि
एक ऐरावत के पास ही एक पेड़ था, उसके पीछे छुपा। स्टोरी टेलर फर्स्ट, ऐरावत ईट द टेंडर लीव्स ऑफ सैपलिंग। अब ऐरावत जो है वो पेड़ की पौधे की पत्तियां खाने लगा। स्टोरी टेलर टू, ही ईट्स द हाफ रिपेंट फ्रूट ऑफ द मैंगो ट्री। जो आधे पके हुए जो फल थे मैंगोज वगैरह आम, उसको भी उसने खा लिया। स्टोरी टेलर थ्री, शंकर वेट एंड डज नॉट प्रोटेस्ट फॉर ही वॉन्ट्स टू गो टू हेवन। शंकर ने थोड़ा इंतजार किया और प्रोटेस्ट के लिए नहीं बोला है, उसने किसी प्रकार से उसको भगाया नहीं, क्योंकि वो हेवन जाना चाहता, स्वर्ग जाना चाहता था। डॉन इज ब्रेकिंग। अब जो है धीरे धीरे सुबह का समय होना चालू हुआ। ऐरावत ट्रम्पेटिंग, ट्रम्पेटिंग माने चिंगारना, ट्रम्पेट करता। शंकर, इट्स टाइम फॉर ऐरावत टू लीव। बोला अब समय हो गया ऐरावत का जाने का। ही रन्स एंड ग्रैब्स ऐरावत टेल। वो दौड़ गया और दौड़ के उसने जो है ऐरावत की टेल को, पूंछ को पकड़ लिया। सीन टू, द गार्डन ऑफ हेवन। अब वहां देखते हैं गार्डन मीन्स बगीचे में। स्टोरी टेलर फर्स्ट, ऐरावत रूल्स लाइक ए बर्ड। ऐरावत एक चिड़िया की तरह उड़ा। ही फ्लू हाई अबव द क्लाउड, और क्लाउड की तरफ मतलब बादल की तरफ गया। शंकर लुक डाउन, अब शंकर ऊपर से देख रहा है। द राजन गार्डन इज जस्ट, शंकर क्या बोल रहा है, द राजा गार्डन इज जस्ट ए स्पेक फार अवे एंड नाउ वी हैव लैंडेड। वो राजा का गार्डन जो है बहुत मतलब दूर है और हम अब उतरने वाले हैं। ही लेट्स गो ऑफ ऐरावत टेल, और वो ऐरावत की पूंछ पकड़ के आगे। दिस मस्ट बी ए पैराडाइज, ही वॉक्स अराउंड। बोले ये तो बिल्कुल स्वर्ग है। शंकर, वो व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन। शंकर बोलता है कितना ब्यूटीफुल गार्डन है। शंकर स्पेंड द डे टचिंग द लीव्स। शंकर ने वहां समय गुजारा और उसने पेड़ पौधों को हाथ लगा के देखा। लुकिंग एट द फ्लावर्स एंड टेस्टिंग द डिलीशियस फ्रूट। फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर थे और उसने डिलीशियस फ्रूट स्वादिष्ट भोजन फ्रूट्स का सेवन किया, अच्छा लगा उसको। व्हाट इनॉर्मस ट्री, 10 times लार्जर देन दोस ऑन अर्थ। बोले क्या बड़े पेड़ है, जो कि 10 गुना बड़े हैं हमारे पृथ्वी पर जो पेड़ है उनसे। द फ्लावर आर 10 times प्रीटी, और ये फ्लावर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, दिखने में भी सुंदर है। द फ्रूट इज 10 times टेस्टी, और जो हमारी पृथ्वी पर जो है जो फल फूल हैं जिनको वो जितने स्वादिष्ट है उससे 10 गुना ज़्यादा स्वादिष्ट यहाँ पे। द सनसेट, अब सूरज डूबा। ओ लक्ष्मी यू विल बी वरिंग अबाउट मी। बोले लक्ष्मी तुम मेरे लिए चिंता कर रही होगी। Stopping and thinking, रुका और सोचने लगा। I will take her something a present from heaven. मैं यहाँ से कुछ present या gift लेके उसके लिए जाऊँगा। This areca nut is large as coconut. बोले areca nut जो है ये coconut के size का है। Coconut means नारियल के। This betel leaf is big as banana leaf. ये betel leaf है जो है ये banana leaf के बराबर है। ऐरावत trumpeting, ऐरावत फिर trumpet करने लगा। शंकर रैन एंड ग्रैस पैरवर टेल। अब शंकर ने उसकी दौड़ा और उसकी टेल्स को पूछ को पकड़ा। अब सीन थर्ड में, द कॉटेज एंड विलेज स्ट्रीट। कॉटेज और विलेज स्ट्रीट मतलब जो गांव का जो वो हिस्सा है उसके बारे में। इन ए फ्यू मिनट शंकर वाज बैक इन द राजा गार्डन। अब कुछ ही समय में ऐरावत उसको राजा के गार्डन में शंकर को वापस ले आया। ही रश्ड होम टू हिज वाइफ। वो तेजी से दौड़ा क्योंकि बहुत दिनों बाद आया था स्वर्ग से, सीधे अपनी वाइफ के पास घर में। लक्ष्मी एंग्रीली, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम। लक्ष्मी बहुत गुस्से में बोली तुम इतने समय कहाँ थे गुस्से में। शंकर, डोंट बी एंग्री, सी व्हाट आई ब्रॉट यू। अब शंकर क्या बोलता है, गुस्सा मत हो, नाराज मत हो, मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ही गिव्स हर द अरेका नट एंड बेटर लीफ। उसने अरेका नट दिया और बेटर लीफ जो है वो पत्ता उसको दिया। स्टोरी टेलर, शंकर एंड लक्ष्मी लव चिविंग अरेका नट एंड बेटर लीफ। अब दोनों उसको चबाने लगे नट्स को और लीव्स को। लक्ष्मी, वेयर डिड यू गेट सच ग्रैंड साइज थिंग। बोले तुमने कहाँ से इतने बड़े बड़े इतनी लंबी चीजों को कहाँ से प्राप्त किया। फ्रॉम हेवन ऑफ कोर्स। बोले कहाँ से, स्वर्ग से प्राप्त किया। लिसन आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। शंकर टोल्ड हर द होल स्टोरी। शंकर ने पूरी कहानी सुना दी। एट फर्स्ट सी डिड नॉट बिलीव। पहले वो उस पर मानने को तैयार नहीं हुई, उस चीज को माना ही नहीं उसने। बट इवेंचुअली द नट एंड द लीफ कन्विंस हर। लेकिन जब उसने नट और लीफ को देखा तो वो उससे सहमत हो गई। यू मस्ट कीप दिस ए सीक्रेट। शंकर ने क्या बोला, इसको तुम्हें किसी को बताना नहीं है, इसको गुप्त रखना है, सीक्रेट रखना है। बी केयरफुल नॉट टू टेल एनीवन। और ध्यान रखना है ये किसी को भी नहीं कहना।
लक्ष्मी आई प्रॉमिस आई वोंट टेल, वो कहती है मैं ठीक है ये वादा कर दूं किसी से नहीं कहूंगी, बट लक्ष्मी लाइक टू टॉक, लेकिन लक्ष्मी को बात करने की आदत थी एंड शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप हर वर्ड, और वो बात करने की आदत के कारण वो उस चीज को रोक नहीं पाई। एंड व्हेन शंकर मेड अनदर ट्रिप टू हेवन, अब शंकर जब वो दूसरे ट्रिप को जाने लगा हेवन के लिए एंड रिटर्न विद एन इनामस मैंगो, अब दूसरी बार जब वो आया तो अपने साथ मैंगो लेके आया, लक्ष्मी दिस इज द मोस्ट डिलीशियस मैंगो आई हैव एवर टेस्टेड इन माय लाइफ, ये बहुत ही शानदार मैंगोज हैं जो कि मैंने आज तक टेस्ट नहीं किए। इट वॉज हार्डर स्टिल फॉर लक्ष्मी टू कीप द सीक्रेट, अब और भी लक्ष्मी के लिए मुश्किल हो गया इसको सीक्रेट रखना। फ्रॉम हिज थर्ड विजिट टू हेवन शंकर ब्रॉट बैक ए ग्रैंड फ्लावर, अब फिर तीसरे विजिट में हेवन में गया तो वहां से वो एक बड़े फ्लावर लेके आया, फूल लेके आया whose fragrance filled the cottage, जिसकी खुशबू से पूरा कॉटेज जो उसका जो घर था वो पूरा भर गया। शंकर goes out, शंकर बाहर गया and work in the garden, और गार्डन में काम करने लगा। Soon after लक्ष्मी friend came visiting, अब कुछ समय बाद लक्ष्मी के फ्रेंड वहाँ पे दोस्त वगैरह विजिट करने आए, लक्ष्मी नेबर, अब उसकी जो नेबर स्निफिंग उसको थोड़ी खुशबू आई, what wonderful perfumes you are using, तुम किस प्रकार का परफ्यूम यूज कर लेती हो, वेयर डिड यू गेट इट, तुमने ये कहाँ से पाया, अब लक्ष्मी दैट्स नॉट परफ्यूम, बोला ये परफ्यूम नहीं है, इट इज अ फ्रेग्रेंस ऑफ माय ग्रैंड फ्लावर, ये तो मेरे फूल की खुशबू है। लक्ष्मी नेबर वेयर डिड यू गेट इट, तुमने ये कहाँ से पाया, उसके पड़ोसी बोलती है लक्ष्मी की, लक्ष्मी बोलती है शंकर गेव इट टू मी, शंकर ने मुझे इसे दिया। लक्ष्मी नेबर वेयर डिड यू गेट इट, उसने ये कहाँ से पाया, लक्ष्मी आफ्टर ए पॉज, कुछ रुकने के बाद कैन यू कीप सीक्रेट, क्या तुम इसको सीक्रेट रख पाओगी, लक्ष्मी नेबर ऑफ कोर्स आई कैन, बोले हाँ क्यों नहीं मैं सीक्रेट रखूंगी इसको। सो लक्ष्मी टोल्ड हर फ्रेंड द होल स्टोरी, उसने अपने फ्रेंड को पूरी स्टोरी सुना दी शंकर और उसके बीच में। लक्ष्मी नाउ प्रॉमिस यू वोंट टेल एनीवन, अब लक्ष्मी उससे बोलती कि तुम प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगी, अब लक्ष्मी की नेबर पड़ोसी क्या बोलती, आई प्रॉमिस ठीक है मैं वादा करती हूँ, बट लक्ष्मी नेबर वाजे गॉसिप, लक्ष्मी की नेबर भी जो बहुत गॉसिप करती थी बातचीत बातों नहीं थी बहुत, शी हरिड अवे एंड टोल्ड हर क्लोज, उसने जल्दी से जाके ये बात अपने सबसे जो खास मित्र थी उसको बता दी। लक्ष्मी नेबर प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन, बोला प्रॉमिस कर लिया कि ये किसी को नहीं कहेगी। लक्ष्मी नेबर फ्रेंड उसने भी प्रॉमिस किया एंड सो इट कंटिन्यूज अंटिल ऑल द वुमेन्स टाउन न्यू, अब इस तरह से वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते रहे और सबको ये बात पता चली। देन दे टोल्ड देयर हस्बैंड, अब उसने अपने हस्बैंड को बोला बताया उन्होंने, बिफोर लॉन्ग द होल टाउन न्यू शंकर सीक्रेट, अब इस तरह से जब उनने महिलाओं ने अपने हस्बैंड को बताया तो ये सीक्रेट है सबके पास चला गया। बिफोर लॉन्ग द होल टाउन न्यू सीक्रेट, वन मॉर्निंग एवरी वन फ्लॉक टू द कॉटेज, अब एक दिन सुबह सब लोग झुंड बना के उसके कॉटेज की तरफ आए। शंकर टेक्स अस ऑन योर नेक्स्ट ट्रिप टू हेवन, बोले कि शंकर तुम हमें अपने जब ट्रिप हेवन के लिए जाओ तो हमें भी साथ लेते चलो। शंकर एंग्री टू लक्ष्मी, अब शंकर को गुस्सा आ गया, उसने बहुत गुस्से से बोला लक्ष्मी को, व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितनी मूर्ख हो, टू द विलेजर्स ऑल राइट कम टू द रॉयल गार्डन टू नाइट, अब विलेजर को उन्हें बोला आओ और मेरे गार्डन्स में देखो। अब सीन फोर में द राजा गार्डन एट नाइट एंड गार्डन ऑफ हेवन, अब राजा का गार्डन रात के समय और गार्डन हेवन का स्वर्ग का वो। That night there was a strange scheme. अब उस रात जो है वहाँ पे एक बहुत ही अजीब वाक्य हुआ। Everyone gathered in the royal garden and hid behind a tree. तो वो सब लोग इकट्ठा हुए रॉयल गार्डन में और एक पेड़ के पीछे छुप गए। The tree swayed in the wind, but the people were as still as a statue. और जो हवा जो तेजी से चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और लेकिन लोग स्टैचू बन के वहाँ खड़े थे। Aravind arrives and start eating. तभी एरावत का आना हुआ और वो कुछ खा रहा था वहाँ पे पेड़ पौधे पत्ते। इवन व्हेन एरावत अपीयर्ड नो वन मेड साउंड, और जब एरावत जैसे ही आया तो सब लोग बिल्कुल आवाज सबकी बंद हो गई। दे आर स्टूड एज स्टिल एज स्टैचू अंटिल डॉन, और जब तक सूरज का उदय नहीं हुआ तब तक वो लोग वैसे ही खड़े रहे स्टैचू बन के। एरावत ट्रम्पेट, अब एरावत ट्रम्प करने लगा, चिंगाड़ने लगा आवाज बना के। शंकर बैकॉन्ट ही रस्ट एंड ग्रैब द एलिफेंट टेल, अब शंकर तुरंत आया और उसने जो है उसका एलिफेंट की पूंछ पकड़ ली, ग्रैस माने पकड़ना। लक्ष्मी हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड फीट, लक्ष्मी ने जो है
आके अपने हस्बैंड के फीट को पकड़ा, पैरों को पकड़ा। हर फ्रेंड हैड लक्ष्मी फीट, उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने लक्ष्मी के फीट को पकड़ लिया। द फ्रेंड हस्बैंड हैड हिज वाइफ फीट, अ फ्रेंड का हस्बैंड था उसने उसकी वाइफ के फीट को पकड़ा। इस तरह से एक दूसरे के पैरों को, एनदर मैन हैड हिज फीट, दैट्स मैन वाइफ हैड हर हस्बैंड फीट, एंड सो एंड सो। इस प्रकार से वो एक दूसरे का पैर पकड़ते चले। एरावत रोज इन टू द एयर, एरावत जो है हवा में चला। विद ए लॉन्ग चेन ऑफ मैन एंड वोमेन ट्रेलिंग आफ्टर हिम, उसके पीछे एक चेन बन गई महिला और पुरुष की जो कि उसके पीछे पीछे। द क्यूरियस वुमेन बीइंग अलास्ट, जो पूछने वाली जो महिला थी एक मिनट एक जानकारी चाहती थी वो सबसे पीछे थी। ईच वन क्लंग टू द वन अबव, एक दूसरे को सब जकड़े हुए थे। ड्यूरिंग द जर्नी द लास्ट वुमेन वाज डाइंग ऑफ क्यूरियोसिटी, लेकिन इस जर्नी में इस यात्रा में जो आखिरी महिला जो थी वो उत्सुकता के मारे मरी जा रही थी। क्यूरियस वुमेन जो उत्सुक महिला थी वो अपने हस्बैंड से पूछती है। लक्ष्मी टोल्ड अस दैट हैविंग ए फ्रूट एंड फ्लावर आर वेरी बिग, लक्ष्मी ने कहा था कि जो जो सर के पेड़ फ्रूट और फ्लावर से फल और फूल है वो बड़े बड़े हैं। आस्क योर फ्रेंड अबाउट टू फाइंड आउट हाउ बिग, तुम अपने फ्रेंड से पूछो कितने बड़े। सो द हस्बैंड आस्क्ड द मैन अबाउट, अब हस्बैंड ने तो लोगों से पूछा। द मैन आस्क्ड हिज वाइफ, आदमी ने अपनी वाइफ से पूछा। वो आस्क्ड द वुमन अब जो उसके ऊपर थी। द वुमन आस्क्ड हर हस्बैंड, वो आस्क्ड देम अबाउट, मतलब वो एक दूसरे को ऊपर पूछते चले। पासिंग द मैसेज टू नेक्स्ट पर्सन मीन्स एक व्यक्ति से मैसेज नेक्स्ट दूसरे व्यक्ति तक मैसेज पास होता रहा। हाउ बिग आर द फ्रूट एंड फ्लावर इन हेवन, किस प्रकार से बड़े फ्रूट्स और फ्लावर होते हैं स्वर्ग में। द मैसेज रीच शंकर, आखिरी में मैसेज शंकर के पास पहुंचा। शंकर टू लक्ष्मी, यू विल सी फॉर योरसेल्फ व्हेन वी रीच हेवन, तो शंकर क्या बोलता है कि लक्ष्मी तुमने देखा, तुमने अपने आप को देखा कि जब हम हेवन की तरफ पहुंचे। लक्ष्मी टू हर फ्रेंड, यू विल सी फॉर योरसेल्फ व्हेन वी रीच हेवन, अब लक्ष्मी ने अपने फ्रेंड्स को बोला कि तुमने देखा कि हम जब हम हेवन पहुंचे। लक्ष्मी फ्रेंड्स टू हर हस्बैंड, यू विल सी फॉर योरसेल्फ, वो उन्होंने भी उनको ये पूछा कि तुमने खुद देखा। एंड सो शंकर रिप्लाइड मूव्ड अलोंग द लॉन्ग चेन टू द क्यूरियस वुमन एट द एंड, तो इस प्रकार से शंकर को जो है रिप्लाई देने के लिए एक बहुत बड़ी चेन का सामना करना पड़ रहा था। बट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, शी रिपीटेड द क्वेश्चन, वो सेटिस्फाइड नहीं थी, उसने फिर क्वेश्चन पूछा। हाउ बिग आर द फ्रूट एंड फ्लावर इन द हेवन, कितने बड़े फ्रूट और फ्लावर होते हैं हेवन में। आई मस्ट नो नाउ, मुझे अभी ये जानना है। सो द क्वेश्चन टू रिपीटेड वंस मोर ऑल अलोंग द चेन अंटिल इट कम टू लक्ष्मी, तो क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है ना, वो पूरे चेन में तब तक वो रिपीट हो रहा जब तक वो लक्ष्मी के पास नहीं गया। लक्ष्मी इम्प्लोरिंग, प्लीज शंकर यू मस्ट टेल हर इमीडिएटली हाउ लार्ज आर द फ्रूट एंड फ्लावर इन हेवन, बोले आप शंकर प्लीज हमको जल्दी बता दो, नहीं तो ये पूरी चेन जान खा रही है, एक के बाद एक पूछते जा रहे हैं कि कितने बड़े फ्लावर और फ्रूट थे, तुम बताओ ना मुझे। शंकर एंग्रीली, ईच फ्रूट इज 10 टाइम एज बिग एज फ्रूट ऑन अर्थ, द आर्क नट वाज दिस बिग, अब गुस्से में आ गया वो, बोला ईच फ्रूट, जो हर एक फ्रूट जो था वो 10 गुना बड़ा था जो फ्रूट जो अर्थ में होते हैं उसके मुकाबले, और अरेका नट वाज दिस बिग, और अरेका नट बहुत बड़ा था। ही लेट गो ऑफ द एलिफेंट टेल टू डेमोंस्ट्रेट विद हिज हैंड, जैसे उसने बताया तो वो डेमोंस्ट्रेशन देने लगा बताते साथ कि मतलब इतना बड़ा था। तो क्या है, ऑल द पीपल बिगन टम्बलिंग डाउन फ्रॉम द एलिफेंट, तो जितने भी लोग थे उनकी पूंछ, उसकी पूंछ छोटी शंकर की, तो सारे लोग नीचे की तरफ गिरे। द होल चेन ऑफ पीपल, तो पूरी चेन की चेन नीचे आ गई। फ्रॉम लक्ष्मी डाउन टू द क्यूरियस वुमन, अब लक्ष्मी से लेके वो जो आखिर में जो महिला थी वो सभी नीचे आ गए। केम टम्बलिंग डाउन टू द अर्थ, तो और इस तरह से वो पूरे नीचे आ गए। ये लेसन फिनिश हो गया बच्चों। अब इसमें वर्ड बैंक है, वर्ड बैंक के अंदर अपन देखेंगे हेजेस। हेजेस मींस ए रो ऑफ बुशेस और स्मॉल ट्री प्लांटेड क्लोज टुगेदर, मतलब वो झाड़ियां, एक पंक्तिबद्ध झाड़ियां और कुछ पेड़ पौधे जो कि एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हैं लाइन से। निबल टू टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का छोटा सा बाइट्स हिस्सा, वो निबल कहलाता है। ड्वेल टू लिव समवेयर, जहां पे कहीं रहते हैं। ड्वेल स्पेक ए वेरी स्मॉल स्पॉट, एक बहुत छोटी जगह। ड्वेल स्पेक इनॉर्मस एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत बड़ा। इवेंचुअली आखिरी में, एट द एंड। फ्रेग्रेंस ए प्लेजेंट स्मेल, खुशबूदार है ना स्मेल। गॉसिप
स्टोरीज अबाउट अदर पीपल लाइफ दैट मे नॉट बी ट्रू, दूसरों के बारे में कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ, गॉसिप होती है, बकवास करना, बातचीत करना ज़्यादा गॉसिप। फ्लॉप ए लार्ज गैदरिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली गैदरिंग, छोड़ फ्लॉप। स्वे टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, एक स्लोली मूव करना साइड, एक साइड से दूसरी साइड को, इसको स्वे बोलेंगे। बीकॉन टू गिव समबडी ए सिग्नल यूजिंग योर फिंगर और हैंड, कुछ सिग्नल देना अपने फिंगर से या हाथ के द्वारा, वे बीकॉन। ट्रेलिंग ए लॉन्ग टाइम और सीरीज ऑफ मार्क्स दैट इज लेफ्ट बाय समबडी, एक लंबी लाइन या एक मार्क जो कि किसी के द्वारा छोड़ा गया हो, ट्रेलिंग। क्यूरियस हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो समथिंग, मतलब किसी चीज को जानने की जिज्ञासा, उसको क्यूरियस बोलेंगे उस वर्ड को। क्लंग टू होल्ड और टाइटली समबडी, किसी चीज को मजबूती से पकड़े रखना, क्लंग कहलाएगा। डेमोस्ट्रेट, डेमोस्ट्रेट का मतलब किसी चीज का प्रदर्शन करना, जैसे कि शंकर ने प्रदर्शन किया था, अपना हाथ खोल के दिखाया, मेरी दिस फ्रूट इज सच बिग, तो जैसे ही उसने हाथ खोला था वो नीचे की तरफ आया, तो वो डेमोस्ट्रेशन। टू शो समथिंग क्लियरली बाय गिविंग प्रूफ, किसी चीज को प्रूफ करना है अपन को, तो अपन को डेमोस्ट्रेट करके उसको बताना, वो डेमोस्ट्रेशन, प्रदर्शन करके उसको दिखाना। टम्बलिंग टू फॉल डाउनवर्ड ऑफन हिटिंग द ग्राउंड सेवरल टाइम्स, नीचे की तरफ गिरना, वो टम्बलिंग कहलाता है। थैंक यू बच्चे, ये आपका लेसन फिनिश हो गया।